दिल्ली के चार और लोगों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने की पुष्टि हुई है। इसके बाद दिल्ली में ब्रिटेन में पाए गए कोविड-19 के म्यूटेट वेरिएंट से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 13 हो गई। इस बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से भारत और यूके के बीच उड़ानों पर 31 जनवरी तक रोक लगाने की अपील की। सूत्रों ने कहा है कि हाल ही में ब्रिटेन से लौटे लोगों और यहां उनके संपर्क में आए व्यक्तियों के डोर टू डोर मेडिकल चेकअप के दौरान जीनोम सीक्वेंसिंग का पता लगाने के लिए भेजे गए चार और सैंपल पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद अब दिल्ली में नए स्ट्रेन से संक्रमित लोगों की संख्या 13 हो गई। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को देश के सभी जिलों में 8 जनवरी को होने वाले कोविड-19 टीकाकरण के ड्राई रन के संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ट्वीट किया, डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैंने उनसे अनुरोध किया था कि ब्रिटेन की उड़ानों पर प्रतिबंध 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन में मामलों और मौतों में भारी उछाल देखा जा रहा है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।